global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संगीत सिलेक्ट किया और फिर मेरे साथ शेयर किया और हमने एक सोचा कि चलो हम इस लॉकडाउन के दौरान एक अच्छा सा एक प्रोडक्ट हम अपने ऑडियंस को देते हैं जो घर में है ताकि वो एंटरटेन हो. तो मेरा नाम रख लेना हमने सबसे पहला सॉन्ग किया जो काजल म्यूज़िक के थ्रू रिलीज़ हुआ और मदानी इंटरप्राइजेस पर भी रिलीज़ हुआ है. और बहुत अच्छे से इसको शूट किया गया है, बहुत अच्छे से एडिट किया गया है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी भी उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक टू माई ऑडियंस ऑल्सो कि वो लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं. और बहुत जल्द हम दूसरे गाने के साथ भी आ रहे हैं, अखियों से गोली के साथ देख सकते हैं. और साथ ही साथ में और भी कई सारी चीज़ें आ रही हैं, सो स्टे ट्यून्ड उस चीज़ के लिए. सर अगर बात करें तो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन के पीरियड में चल रहा है, उसी के बीच में आपको सॉन्ग लाने का क्या मतलब, क्या इसका मोटिव क्या था? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इमोशनली काफ़ी हिट करती है जो है. और लॉकडाउन में लोग बहुत डिप्रेशन में भी हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, और ये स्वाभाविक है, होता है. जो लोग रोज़ काम करते हैं, हम जैसे आर्टिस्ट भी जो रोज़ काम करते हैं, जब हम चार दीवारी में बंद हो जाते हैं तो हम अपने आर्ट को कैसे निकालें, और आर्ट कभी रुकी नहीं सकती है. तो हमने म्यूज़िक का एक माध्यम चुना क्योंकि शूट अभी हम ज़्यादा कर नहीं सकते, जितना पॉसिबिलिटी में हमने शूट किया उसको, और हमने एक ऐसा आर्ट फॉर्म निकाला म्यूज़िक कि उसको सुने लोग, हेडफोन्स लगा के सुने, स्पीकर्स पे सुने, तो वो एटलीस्ट उनके वो हार्मोन्स जो है ना वो जागरूक हो जाए ताकि वो एंजॉय कर सके. अच्छा सर अगर गाने की बात करें तो अखियों से गोली सुनकर ही गाना एक रोमांटिक और हटके गाना लगता है, तो कहाँ तक गाना की स्थिति पहुँची अब तक और कब तक ये लोगों को देखने मिलेगा? बहुत जल्दी देखने मिलेगा, पोस्ट प्रोडक्शन ऑन है गाने का, और उम्मीद करता हूँ ये एक पार्टी सॉन्ग है तो लोगों को और अच्छा लगेगा. समझ सकता हूँ अभी हम लोग बाहर जाके पार्टी नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट अपने घर में अपने परिवार के साथ सुने, थोड़ा डांस करें, एंजॉय करें, इससे माहौल भी अच्छा रहेगा और आप सॉन्ग भी एंजॉय करेंगे. सर अगर गाने की बात हुई अखियों से गोली, हमारे गाना पहले भी आया था, उसका हिट भी करा है जी. मैं आपसे कुछ दो लाइन उसकी सुनना चाहूँगा. अखियों से गोली मारे मैं अभी चाहूँ तो सुना सकता हूँ, पर आप मुझसे मत गवाइए, मैं एक डायरेक्टर हूँ और ये सॉन्ग को मैं अभी रिवील करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल सॉन्ग है.
तो अब जब ये आएगा तभी आप सुनिएगा तो फर्स्ट प्रोमो जो है। चलो जल्दी जल्दी आखिरी बात है, मेरे दर्शकों को तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गाने के बारे में? बस आप स्टे ट्यून्ड रहिए, जितना प्यार आपने हमारे पहले गाने को दिया है उतना ही प्यार आप इसको भी दें, उससे ज़्यादा दें, और हम बहुत जल्द और भी नए नए गाने लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जब तक के लॉकडाउन है और इवन लॉकडाउन के बाद भी आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें हमारे खास पार्टनर हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, वो है स्टे फिट विद दिशा, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन कर रही हैं। तो एक ये भी है कि उनका भी संयोग रहा है, भले वो फिटनेस में है पर एक संगीत और फिटनेस का एक मिलन हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।